देखते हैं 43। 43 नंबर में देखिए दिया है कॉसेक ए, बाई में है आपका कॉसेक ए माइनस वन, प्लस में है कॉसेक ए, बाई में है कॉसेक ए प्लस वन इक्वल टू में टू सेक स्क्वायर ए। चलिए अब हम लोग इसका एल एच एस लेते हैं। देखिए दिया है कॉसेक ए, बाई में कॉसेक ए माइनस वन प्लस कॉसेक ए, कॉसेक ए बाई में है आपका कॉसेक ए प्लस का वन। चलिए अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम है आपका कॉसेक ए माइनस वन और इंटू में है कॉसेक ए प्लस वन, फिर इसमें डिवाइड एक टर्म कर जाएगा, इधर के ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, कॉसेक ए इंटू में कॉसेक ए प्लस वन और प्लस में इसमें सिर्फ ये वाला टर्म कर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करेगा कॉसेक ए इंटू में कॉसेक ए माइनस का वन। चलिए एक काम करते हैं, हम ऊपर ध्यान से देखिएगा, ऊपर से हम लोग कॉसेक ए को निकाल लेते हैं, तो देखिए क्या बचेगा, कॉसेक ए प्लस वन और प्लस में कॉसेक ए माइनस वन, और नीचे प्लस माइनस में है तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का वन का स्क्वायर, है ना जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया, यहाँ वन से वन कैंसिल, तो ऊपर टू कॉसेक हो जाएगा, तो कॉसेक ए इंटू में टू कॉसेक ए और बाई में नीचे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ए कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए, टू कॉसेक स्क्वायर ए बाई में कॉट स्क्वायर ए, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, टू कॉसेक स्क्वायर को वन बाई में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और कॉट स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए बाई में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये इसे टर्म कट जाएगा, वन बाई कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, यही ना हमें प्रूफ करना था, हमारा आर एच एस आ गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन।